गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है हमारा कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी को करने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अध्याय को एक नज़र में दिखाया गया है। इसमें है कार्य क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य के सूत्र क्या हैं, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के रूप, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। तो ये ऊर्जा की हमारे टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस किस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी पाई जाती है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्य। तो क्या है कार्य, किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बात आती है जो ऊर्जा है वो हमें मिलती कहाँ से है, ठीक है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है और मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है, यानी कि हमें उसको फ्यूल देना पड़ता है किसी भी मशीन को, तभी तो हमारी कोई मशीन चलेगी। देखो, आपने जैसे देखा होगा बाइक है, गाड़ियां हैं, हम इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, CNG डलवाते हैं, या और कई मशीन ऐसे जिसमें हम और फ्यूल्स यूज़ करते हैं, कोई चीज़ें, ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे उसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो उससे मशीनों को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब बात आती है कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो सभी प्रक्रियाओं जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा या नगण्य सा कार्य होता है। यानी कि एक तरीके से अगर अब जैसे आप बैठे हो, अभी आप पढ़ रहे हो बैठ के, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो आपकी कुछ ये गतिविधियाँ इसमें दिखाई गई हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, मानचित्र बनाना है इसमें कुछ, तो इसमें साइंस के अकॉर्डिंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें है उदाहरण, उदाहरण क्या है, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता। इसका मतलब ये है, साइंस के अकॉर्डिंग हमारा काम कार्य कब माना जाएगा, जब आपने बल लगाया, फोर्स लगाया, और उस जिस चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हुई हो, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट अगर उसके अंदर हुई है, तो ही आप बोलोगे कि कोई कार्य हुआ है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, इसका मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसका कार्य कोई भी कार्य नहीं माना जाता। अब वो सूटकेस लेके खड़ा है तो कुछ तो एनर्जी तो उसकी लग रही है, थक गया बेचारा, तो लेकिन क्या, साइंस के अकॉर्डिंग ये कुछ भी काम नहीं किया उसने, ठीक है। फिर है कार्य किया जाता है जब, यानी कि हमारा जो काम है वो कब हम कहेंगे कि वो कार्य हुआ है, ठीक है। तो कुछ स्थिति इसमें दिखाई गई है, एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ चल रही है और चलते चलते वो रुक जाए, ठीक है, तो भी क्या होगा, हाँ भाई काम हुआ है, क्योंकि मूवमेंट हुई थी ना। उसके बाद एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर दे, यानी कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, और वो स्थिर अवस्था में आ जाए, रेस्ट पर आ जाए, मोशन से रेस्ट पर आ जाए, या फिर रेस्ट से मोशन में आ जाए, तो हम दोनों स्थिति में क्या कहेंगे, कार्य हमारा हुआ है। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन आ जाए, यानी कि कोई चीज़ मोशन में है लेकिन उसकी स्पीड में चेंज आ गया, तो भी हम कहेंगे कि उसके अंदर उसमें कार्य किया है, ठीक है। एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, हाँ बिल्कुल, अगर किसी की शेप साइज़ में चेंज आया तो भी हम कहेंगे वर्क हैज़ टू बी डन, यानी कि कार्य हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई बल लगाकर किसी चीज़ की शेप चेंज कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका मतलब आपने काम किया है। उसके बाद हमारा है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग कार्य क्या है, कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु की गति में उत्पन्न होता है, यानी कि जब आपने जिस डायरेक्शन में आपकी गति हुई है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की, उसी डायरेक्शन में आपने बल लगाया है, तो क्या कहेंगे, कार्य हुआ है माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कार्य करने की दिशा, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन इम्पोर्टेंट है कि आप उस पर फोर्स भी लगा रहे हो, ठीक है, बल भी लगा रहे हो, और दूसरा उसकी जो गति है, जो उसका विस्थापित उसकी स्थिति है, उसमें भी अगर आपका चेंज आ रहा है तो ही हम कहेंगे कि हमारा वर्क, काम हमारा हो रहा है, ठीक है। तो आगे है इसमें बेटा, देखो इसने ये दिखाया गया, जैसे कि अगर मान लो ये घोड़ा है, ये बल लगा रहा है आगे की तरफ, तो जो ये जो गाड़ी है ये भी क्या है, आगे की तरफ ही मूव करेगी।
अगर घोड़े ने बल लगाया और ये गाड़ी बिल्कुल हिली नहीं, इसका मतलब घोड़े ने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब वर्क इज नॉट सेट टू बी डन, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा कार्य। ठीक है, एक व्यक्ति बोझ के ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी क्या माना जाएगा, अगर वो ऊपर ले जा पा रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है, तो ही हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमारा कार्य का सूत्र इसने एक्सप्लेन किया है, तो इसमें क्या बताया बेटा, देखो कार्य बराबर है बल गुना में विस्थापन, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बल को एफ से फोर्स और विस्थापन को एस डिस्प्लेसमेंट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा देखो ये इसमें कुछ दो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट दिखाया, इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखो इसने यहाँ पर फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या, फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुई एस। ठीक है, तो ही हम कहेंगे हाँ कार्य हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कार्य का मात्रक, यानी कि यूनिट क्या है वर्क की हमारी, किस में हम कार्य को नापते हैं, तो कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर या फिर जूल, ऐसा यूनिट अगर पूछता है वो। ठीक है, तो क्या है कार्य की यूनिट, मात्रक क्या है कार्य का, जूल। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जूल क्या है, या कोई आपसे पूछ ले एक जूल क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक जूल कार्य हो गया कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूँगी आपने कितना काम किया था, कहोगे मैम आप एक जूल, तो मैं कहूँगी एक जूल कितना, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखिए जब एक बल वस्तु की बल की दिशा में एक मीटर विस्थापन कर देता है तो एक जूल कार्य होता है, यानी कि जो आपने फोर्स लगाया वो कितना लगाया, एक न्यूटन। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो भी कितनी हुई, एक मीटर। ठीक है, तो उतने कार्य को हम कहेंगे एक जूल कार्य हुआ है आपका। ठीक है, यानी कि फोर्स होना चाहिए वन न्यूटन फोर्स लगाने से अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एक मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अंदर, तो कहेंगे एक जूल हमने कार्य कर दिया। ठीक है, उसके बाद है कार्य का परिणाम निम्न दिशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अब है सबसे पहले किस दिशा पर निर्भर करता है, सबसे पहले बल का परिमाण, ज़्यादा बल ज़्यादा किया गया कार्य, कम बल कम किया गया कार्य। सही बात है, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आपका क्या होगा, वर्क ज़्यादा होएगा, और कम बल लगाओगे तो फोर्स कम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कितना ही बल लगा लो, अगर आप एक दीवार पर धक्का लगा रहे हो तो बल तो आपने इतना लगा दिया जितना आप को मैक्सिमम लगा सकते हो, लेकिन काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे, अब विस्थापन ये भी वही है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई है किसी चीज़ में, इसका मतलब काम भी ज़्यादा हुआ होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कम हुई है, क्या कोई ऑब्जेक्ट कम मूव किया है, उसने अपनी स्थिति को कम बदला है, तो कहेंगे क्या है, कम काम हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा काम हमारा तीन टाइप से कह सकते हैं, घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यानी कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो घनात्मक क्या है, यानी कि जब आपने बल लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुई तो क्या कहेंगे, कार्य क्या है, घनात्मक है। जैसे इसमें देखो ये दिखाया गया है, इस बच्ची इसमें क्या है, आपने गाड़ी पर बल लगाया और गाड़ी आगे भी मूव कर गई, इसका मतलब कैसा है कार्य, घनात्मक है, पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में बल लगा उसी डायरेक्शन में हमारी गाड़ी भी मूव कर रही है। ठीक है, तो कहेंगे पॉजिटिव वर्क, घनात्मक कार्य। ये क्या है, आपने बल तो लगाया इस तरफ, ठीक है, और बॉल मूव कर रही है इस तरफ घर्षण के कारण। ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो हमारा कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव वर्क। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो उसके अपोजिट दिशा में अगर काम हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। जैसे आप मान लो अगर कोई ढलान वाली जगह है, उस पर उसमें से आप कुछ भारी चीज़ को ऊपर की तरफ धकेल रहे हो, और ऊपर की तरफ धकेल रहे हो आप, लेकिन वो नीचे की तरफ चली जाए उसमें भार ज़्यादा होने की वजह से, तो क्या हो जाएगा, आपने बल तो लगाया ऊपर की तरफ लेकिन बॉल चली गई नीचे की तरफ, मतलब उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, तो इसमें क्या कहेंगे, हमारा नेगेटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये देखो इसने एक और उदाहरण दिया है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है,
यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है 90 डिग्री का कोण? चंद्रमा की गति से पृथ्वी में जो कोण है वो 90 डिग्री का आता है, किया गया कार्य शून्य है, ठीक है। ये तीसरी स्थिति है कि क्या होता है, कभी कभी आपने बल लगाया लेकिन कोई चीज़ मूव की ही नहीं, ना तो उसकी दिशा में बल की दिशा में, ना ही बल के विपरीत, ठीक है, तो वो हिली ही नहीं, तो क्या कहेंगे, हमारा कार्य क्या है, शून्य है, यानी कि वर्क इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा, अब बात आता है इसमें, हाँ जी, ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है हमारा, क्या है ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन इस ऊर्जा के हमें कई सारे टाइप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिजीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें क्या है, हमारी इसमें दोनों एनर्जी आती है, दोनों एनर्जी के सम को, प्लस को, यानी कि जो हमारी गतिजीय ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई चीज़ रेस्ट पर होती है, एक किसी पर्टिकुलर हाइट पर होती है, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा और गतिजीय जब वो मोशन में है, गति में है, ठीक है, दोनों एनर्जी का योग को मिला के हमारी क्या बनती है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अलग अलग टाइप हम पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के, गतिजीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिजीय ऊर्जा देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं, किसी भी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिजीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कुछ गतिजीय ऊर्जा के उदाहरण है, जब आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो इसमें क्या है, गति हो रही है आपके अंदर, तो जब आपके अंदर जो एनर्जी है तो उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। देखो एक गतिशील क्रिकेट बॉल, एक बॉल अपने बैट से बॉल मारी तो क्या, बॉल क्या गति में है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, गतिजीय ऊर्जा, जब भी तो वो मूव कर रही है, नहीं तो वह एक जगह पर गिर नहीं जाएगी, एनर्जी है जब भी तो वो मूव कर रही है। फिर है बहता हुआ पानी, ठीक है, एक गतिजीय गोली, बहती हुई हवा, एक गतिजीय कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, तो ये सब गतिजीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारा गतिजीय ऊर्जा का सूत्र, यानी कि जो गतिजीय ऊर्जा है हम इसको डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा इसका होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। तो m हमारा होता है मास, v होता है हमारा वेलोसिटी। तो देखो इसको कैसे डिराइव करते हैं, तो किया गया कार्य हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन हमारा फोर्स ये भी तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना हमने, एक्सेलरेशन वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्व बल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आप देखो गति की, आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा गति वाला चैप्टर, उसमें आपने गति के नियम पढ़े थे, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है। तो वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो जो फाइनली उसकी जो गति है वो, और यू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि किस गति से वो चलना शुरू करता है, ए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी कि जितनी उसके अंदर मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्योंकि हमारा फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू एस है ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हम एस चाहिए, तो इसलिए गति के तीसरे समीकरण को का प्रयोग करते हुए हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय में 2a। तो समीकरण 2 तथा 3 में फोर्स तथा एस डिस्प्लेसमेंट का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि एफ और एस की वैल्यू दोनों को हमने पहले वाले समीकरण में रख दिया, फोर्स की वैल्यू क्या है एम ए और एस की वैल्यू क्या है ये जो भी निकाली है तीसरे समीकरण से, तो वैल्यू पुट करके इनको काट करके आ गया हमारा हाफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई ये वाली, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब इनिशियल वेलोसिटी, कोई चीज़ चलना शुरू ही नहीं की है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बचा हमारा, हाफ एम वी स्क्वेयर। आप देख सकते हैं यहाँ से वर्क हमारा किसके इक्वल आ गया, हाफ एम वी स्क्वेयर के।
तो ई के क्या आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है बेटा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जितनी आप ऊर्जा दोगे, जितनी आप एनर्जी लगाओगे, उतना ही हमारा कार्य होगा। ठीक है, तो कुछ इसका ये एग्जांपल भी दिया है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के ऊपर। एक क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है किसी का मास दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 15 kg 15 किलोग्राम है, और उस वस्तु की जो वेग है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उससे गतिज ऊर्जा पूछिए, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो सीधा। तो गतिज ऊर्जा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना दिया हुआ है, 15, वी कितना दिया हुआ है हमारा 4, तो वैल्यू पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, कितना काम किया है, मतलब 120 जूल, 120 जूल हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है, 120 जूल। उसके बाद हमारा है स्थितित ऊर्जा। तो जो स्थितित ऊर्जा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।